पर एक जमींदार था, तो उसकी खेती के पास एक हिरन आया, तो उसने उसके ऊपर तीर चला दिया, तो वो घायल हो गया। घायल होकर हिरन भागा और कहीं चला गया, तो जहाँ जहाँ उसके खून की बूंद गिरी थी, वहाँ वहाँ वो खोजता खोजता कि ये तो शिकार मिल गया, अब मैं इसको मार लूँगा, खा लूँगा। तो इसी उसमें वो खोजता हुआ गया, तो वो बाबा जलंधरनाथ की जो गुफा थी वहाँ तक खून के निशान थे। और जब उसके अंदर घुसा तो देखा क्या है कि एक योगी है और उसके घाव है और वो अपने घाव को ठीक कर रहा है। तो तब उन्होंने कहा, दुष्ट, जो कमज़ोर है, जो बोल नहीं सकता, उसी पर ही तुम जोर चमाते हो, जाओ, आज से तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी। तो ये जो सिद्ध हैं, ये काया कल्प जो है, शरीर को बदल लेना और किसी भी शरीर में आ जाना, दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। ये अवस्था एक उच्च शरीर की अवस्था भी है, और अगर उच्च शरीर को इस शरीर में अनुभव कर लिया तो इस शरीर में भी वो प्रक्रिया हम कर सकते हैं, इस शरीर के होते हुए भी। एक बार हमारे बाबा को एक अम्मा ने बोला कि आप हमारे घर जरूर आना, उसकी भक्त थी, तो हमारे घर जरूर आना। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं आ जाऊंगा। तो तिथि निर्धारित हो गई, बड़ी खुश हुई, उसने कहा मेरा गुरु आ रहा है, और बहुत से लोग आ गए, संत दर्शन होंगे, पकवान बनाए गए, प्रसाद जो होता है बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनता है, सब हो गया। जो समय निर्धारित था बाबा पहुंचे ही नहीं, बहुत देर इंतज़ार करी, शाम हो गई, रात हो गई, कहा आप तो नहीं आएंगे, चलो, सबने प्रसाद लिया, अपने अपने घर चले गए। 2 महीने के बाद वो पहुंची वहाँ और बोली, आप तो बड़े ख़राब हो, आप समय दे देते हो और आप आते नहीं हो। तो बाबा ने कहा, मैं तो आया था, और जो समय मैंने दिया था मैं तो उसी समय आया था। कहा, नहीं, आप बिल्कुल नहीं आए, आप आते तो आपका स्वागत होता, फूल मालाएं सजाई गई थी, आपकी आरती उतारने के लिए वो सब आडंबर जो करते हैं वो सब किया गया था, आपके चरण धोने की व्यवस्था करी गई थी, वो सब आडंबर किया गया था। आडंबर बोलते हैं हम लोग, तो उनके लिए तो गुरु पूजन है, गुरु पूजन आत्म पूजन है, शरीर पूजन नहीं है। शरीर का तो 2 मिनट में दोस्ती, 2 मिनट में दुश्मनी, जो आत्मा का संबंध है वो सबसे पवित्र संबंध होता है, और उसमें कोई आडंबर नहीं होता। कहा, मैं तो आया था। बोले, आप मजाक भी करते हो और मजाक मजाक में झूठ भी बोलते हो। बोले, अच्छा ये बता, जब भोजन तैयार हो गया था, एक कुत्ता तुम्हारे यहाँ आया था कि नहीं आया था? बोले, हाँ आया था। बोले, अरे वो कुत्ता जब खाना खाने लगा था तो तूने उसके मुंह से खाना छीना था कि नहीं छीना था? बोले, हाँ छीना था। और खाली खाना ही नहीं छीना था, तूने उसके सोटी मारी थी कि नहीं मारी थी? हाँ मारी थी। उसके बाद उसको भगाने के लिए उसके पत्थर मारा था कि नहीं मारा था? हाँ वो भी मारा था। और एक पत्थर उसके पैर में लगा था, वो लंगड़ाता हुआ गया था कि नहीं गया था? बोला, हाँ गया था। तो बाबा बोले, बता, तू मुझे घर बुलाती है और फिर आडंबर रचती है, और जब मैं खाना खाने लगता हूँ मेरे मुंह से रोटी छीनती है, और फिर मेरे पीछे सोटी मारती है, फिर मेरे को पत्थर मारती है, और ये देख मेरे पैर में अभी भी चोट का निशान है। तो ये जो
शिव योगी है, हर किसी के भीतर उस शिव को अनुभव करने का अभ्यास करें।